हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है अंश और आप देख रहे हैं ऐंशटेक। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके जो डायोड होते हैं इस तरीके के, तो वो यूनिडायरेक्शनल किस तरीके से होते हैं। असल में हुआ क्या था कि जब मैंने अपनी एक वीडियो अपलोड करी थी व्हाट इज़ डायोड रेक्टिफायर, तो उसमें एक भाई ने कमेंट करा था कि ये जो डायोड होते हैं वो यूनिडायरेक्शनल क्यों होते हैं, कि क्यों मैंने उनको यूनिडायरेक्शनल कहा है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि ये यूनिडायरेक्शनल किस तरीके से हम इनको कह सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमें करना क्या होगा कि हमें एक तो डायोड लेना होगा जिससे हमें किसी भी लैंप की या फिर किसी भी चीज़ की हम पोलैरिटी चेंज करेंगे। यहाँ पे मैंने चाइनीज़ एक लैंप ले रखा है, यहाँ आपने देखा होगा दिवाली पर जो लाइट्स आती हैं उनमें ये वाले लैंप होते हैं। तो इसमें क्या है, यहाँ पे ये मेरी बैटरी एक 12 वोल्ट की, तो इसमें सबसे पहले मैं आपको इस लैंप को ग्लो करके दिखा देता हूँ। ये अभी ग्लो कर रहा है, अभी मैंने ये वाली वायर इसकी यहाँ पे पॉजिटिव पे कनेक्ट करी है। अब मैं नेगेटिव वायर को पॉजिटिव की जगह पे और इसको मतलब इसकी जो पोलैरिटी है मैंने चेंज करी, पर इसमें कोई पोल्स नहीं है क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव या फिर पॉजिटिव नहीं होता है, इसलिए ये जो बल्ब है ये दोनों साइड पे ग्लो कर रहा है। चाहे तो आप इसको इस तरीके से लगा दें चाहे इस तरीके से लगा दें, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इसकी इसके ग्लो होने पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो अब मैं करूँगा क्या, अब मैं डायोड लूँगा और डायोड को पॉजिटिव बैटरी का जो पॉजिटिव है वो डायोड के नेगेटिव पे मैं कनेक्ट कर दूंगा। ये मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। अब मुझे करना क्या होगा, अब मुझे सिंपली अपना लैंप लगाना होगा। तो ये यहाँ से मैंने कनेक्ट कर लिया है, ये डायोड हमारा इसके सीरीज़ में आ रहा है। अगर आपने मेरी सीरीज़ पैरेलल वाली वीडियो ना देखी हो तो आप ज़रूर से देख लीजिएगा, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो जब मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ तो ये जो लैंप है ये ग्लो कर रहा है। और तो अभी आपको ये समझ में नहीं आया होगा कि इसमें हुआ क्या है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें ये किस तरीके से काम कर रहा है। अब ये जो लैंप है हमें इसकी पोलैरिटी चेंज करनी होगी डायोड के साथ में। कहने का मतलब ये है, जो पॉजिटिव में हमने यहाँ पे डायोड कनेक्ट करा था वहाँ से हमें सीधा डायोड के साथ में इसको पूरा निकाल लेना है, और जो डायोड वाली साइड है उसको हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे इसके नेगेटिव में, बैटरी के नेगेटिव में। पहले जो डायोड था वो पॉजिटिव में कनेक्ट था, अब जो डायोड है वो नेगेटिव में कनेक्ट हो गया है। तो अब जब हम इसको उल्टा लगाते हैं तो ये ग्लो नहीं कर रहा है, देख लीजिए यहाँ पे आप, ये डायोड जो है ये सीरीज़ में ही लगा हुआ है, ये पूरा कनेक्शन हो रखा है, तो जो डायोड है वो वर्क नहीं कर रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लैंप ग्लो नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि जब आप किसी भी एक लैंप में या फिर किसी भी चीज़ में जिसमें पोलैरिटी नहीं होती है उसमें अगर आप डायोड यूज़ करते हैं तो उसकी जो डायरेक्शन होती है वो एक जगह की हो जाती है। यूनिडायरेक्शन का मतलब है कि जो डायरेक्शन है वो एक ही जगह जा रही है, मतलब कि जो फ्लो ऑफ करंट है वो किसी एक जगह से निकल के दूसरी जगह जा रहा है, पर वो उस दूसरी जगह से निकल के इस जगह नहीं आ रहा है। तो यूनिडायरेक्शनल का मतलब यही होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आया हूँ और मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हो तो फिर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि जब मैं नई वीडियो डालूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।